किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और क्या बन जाएगा बेंजिन के ऊपर आ जाएगा सी एच थ्री प्लस टू एन एस सी एल हो जाएगा अलग देखो सेम रिएक्शन है कुछ डिफरेंट नहीं लिखूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो तो समझते हैं कैसे हुई है देखो टू एन ए टू सी एल के साथ टू एन एस सी एल बनकर हो गया रिमूव किसी को डाउट है ठीक है और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या हो गए बॉन्डेड बात सचमा की ये दोनों कार्बन आपस में क्या हो गए बॉन्डेड हो गए और क्या बन गया के ऊपर और इसको किससे जानते हैं क्या नाम है इसका इस कंपाउंड का नेम होता है नेम बता दिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको समझने है पहले रिएक्शन तो रिएक्शन तो सज में आ गई होगी कैसे हो रही है अब अगर अब मुझे इसको प्रॉपर डिफाइन करना है तो वो कैसे करूंगा वो समझो देखो एक बार मैं बोलूंगा कोशिश करना जब नेक्स्ट टाइम मैं बोलो तो आप मेरे साथ साथ बोलो ठीक है देखो वेन एलकाइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड रियक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इट फॉर्म्स एरोमेटिक कंपाउंड्स अब प्रॉब्लम ड्राईमैटिकॉब होगी कि आपने क्या बोला कि बोलाइल सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो मैं पहले समझा देता हूँ थोड़ा एलकाइल सब्सिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड कुछ नहीं है बस वो ये कह रहा है कि जो एलकाइल ग्रुप है वो सब्सटीट्यूट हो गया है एरोमेटिक कंपाउंड के पास बस Nothing else. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वाली करता तो बनाता हूँ सोडियम इन दस ऑफ ड्राई ग्रुप गेट्स बात ये भी वही है दोनों ही सही है तो रिपीट कर देता हूँ मैं इसको एक बार और बार करता ताकि आप अच्छे से समझ सको क्या हो जाएगा when haloalkane and haloarene react with the sodium in the presence of dry ether it forms alkyl substituted aromatic compounds बात समझ में आ गई होगी तो मैंने जो भी डेफिनेशन आपको बताई उसको आप समझो लिखो याद करो और याद करने के बाद सबसे पहला आपका काम है कमेंट सेक्शन में इस रिएक्शन को लिखना तो रिएक्शंस को लर्न करो पढ़ाई करो अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी